हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी के बारे में, जो कि है तुगलक डायनेस्टी। इसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो बहुत रेलेवेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा ये वीडियो नंबर 45 है, इससे पहले 44 वीडियोज़ आ चुकी हैं जिसमें CRPC, IPC, मोटिवेशनल लेक्चर्स, टॉर्च, इक्विटी और बहुत सारे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, सब कुछ कवर्ड है। तो वो भी देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सबसे पहले हम तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने खिलजी डायनेस्टी की थी। अब खिलजी डायनेस्टी सबसे शॉर्टेस्ट डायनेस्टी थी, तो अब सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी कौन सी हुई? तुगलक डायनेस्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ से स्टार्ट होता है ग्यासुद्दीन या गाजी मलिक। एक पर्सन थे ग्यासुद्दीन मलिक या गाजी मलिक। अब ये फाउंडर थे, फर्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। इसके अलावा इन्होंने डिफीट किया था 29 मंगोल्स को, इसलिए इन्हें एक उपाधि भी दी गई, एक टाइटल भी दिया गया जिसका नाम था मलिक उल गाजी। क्योंकि इन्होंने 29 मुगल्स को डिफीट किया था, इसीलिए इन्हें मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई। इसके अलावा इन्होंने असैसिनेट, मतलब खुर्रम शाह एक पर्सन थे, उन्हें मारा था, इसीलिए इन्हें फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक का भी टाइटल दिया गया था। इसके अलावा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। अब इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनवाया था एग्रीकल्चर का। अब जो भी इस वीडियो में पॉइंट्स हैं, जो भी इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आप नोट डाउन करते रहिए, वो आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। प्लीज़ एंड तक देखिएगा, जिससे आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनवाया था, कृषि डिपार्टमेंट बनवाया था, जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोहली। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यही एक फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने अपनी कैपिटल, मतलब अपनी राजधानी शिफ्ट की थी फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जो देवनागरी में है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन से ऐसे तुगलक थे जिन्होंने यूनिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की नॉर्थ और साउथ में, मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को मिलाने की कोशिश की गई? तो ये पहले रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा यही पहले रूलर थे जिन्होंने होली में भी पार्टिसिपेट करते थे, होली भी सेलिब्रेट करते थे लोगों के साथ मिलकर। इसके अलावा इब्न बतूता, बहुत ये तो क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ टाइम पूछ जाता है। इब्न बतूता इन्हीं के टाइम पर आए थे, जो एक मूरिश या अफ्रीकन ट्रैवलर थे जो इन्हीं के टाइम पर आए थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत फेमस है, किताब उल रहाला। किताब उल रहाला बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसीलिए उन्हें एक उपाधि दी गई, एक टाइटल दिया गया, गाजी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा हमारे पास आता है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। पहले ऐसे शासक थे, पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने रीबिल्ड करवाया था, मतलब दोबारा बनवाया था जो कुतुब मीनार की दो स्टोरीज बची थी। क्योंकि टॉप लेयर जो थी वो आपको पहले बताया था कि वो डैमेज हो गई थी, लेकिन दो लेयर्स जो थी, जो दो फ्लोर्स थी, वो इन्होंने रीबिल्ड करवाई थी, दोबारा निर्माण करवाया था इसका। कई बार पूछा जाता है कुतुब मीनार के बारे में। उसके बाद इन्होंने एक ऑर्फनेज के लिए, मतलब ऑर्फन्स के लिए, अनाथ के लिए एक आश्रम खोला था जिसका नाम था दीवान ए खैरात। बहुत चैरिटी करते थे तो इन्हें ये उपाधि दी गई थी, दीवान ए खैरात। इसके अलावा ये फॉन्ड ऑफ स्लेव्स थे, मतलब सबसे ज़्यादा स्लेव्स इन्हीं के पास थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने स्लेव्स थे इनके पास, तो आप लिख सकते हैं 180,000, 180,000 स्लेव्स थे इनके टाइम पर। लेकिन ये कभी इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करते थे, इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी बना रखा था, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी जरूर देते थे ये सबको। तो इन्हें बोला जाता था दीवान ए बगदान, क्योंकि ये फॉन्ड ऑफ स्लेव्स थे। इसके अलावा इन्होंने बिगेस्ट कैनाल बनवाया इरिगेशन के लिए इंडिया में, जो अक्सर पूछा जाता है। इरिगेशन पर टैक्स लगाया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जजिया टैक्स लगाया, किस पर? ब्राह्मिन्स पर। ये भी बहुत एंड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है। अब ऊपर तो हमने पढ़ा था कि नॉर्थ और साउथ के लोगों को मिलाना चाहते थे, तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने की कोशिश की, इसीलिए इन्होंने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनवाया था जिससे दोनों लोग आपस में यूनिटी बना के रह सकें, हारमनी हो दोनों में।
इसके अलावा फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हज के लिए पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज की थी जिससे लोग फ्री में जाकर हज कर सकें, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके दो बेटे थे नुसरत शाह और नसरुद्दीन महमूद। नुसरत शाह जो थे उन्हें फिरोज़ाबाद दे दिया गया था, लेकिन नसरुद्दीन मोहम्मद इनको, ये लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, ये तैमूर इन्हीं के टाइम पर आया था जिसने अटैक किया था इंडिया पर, बहुत बार अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 1398 AD में, और ये इन्होंने अपनी कैपिटल जो है राजधानी बदल ली थी, दिल्ली से इन्होंने कर ली थी पालम। तो ये था हमारा तुगलक डायनेस्टी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज है 3 जुलाई, तो उसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3 जुलाई को है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैन बैग फ्री डे, मतलब प्लास्टिक को हम ख़त्म करें, प्लास्टिक बैग को हम फ्री करें, ख़त्म करें, उसका यूटिलाइज कम करें, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लॉथ का यूज़ करें, जूट बैग्स यूज़ करें, लेकिन प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करें। अभी कब एंड होगा ये, कब एंड होगा ये 2022 में ये इंडिया का टारगेट है कि हम प्लास्टिक बैग्स इंडिया से फ्री कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि इसकी थीम क्या है, जो आज का डे है इसकी थीम क्या है। इसके अलावा फर्स्ट फ्री सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट, हाल ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना है न्यू दिल्ली में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा इसे भी। इसके अलावा फर्स्ट प्लास्टिक फ्री एरिया, पहला एक प्लास्टिक फ्री एरिया बना है जिसको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी अवार्ड दिया गया है, जो है सिंदूरा पंचायत फ्रॉम इंदौर, इंदौर को दिया गया है MP में जो है। तो आप मुझे बताइएगा इसकी कैपिटल क्या है और यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, वो आप बताइएगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर द आंसर्स। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग, जिन्होंने प्लास्टिक बैग को ही ख़त्म कर दिया गया है कि वो उन्हें यूज़ ही नहीं करेंगे, या फिर फर्स्ट टू टारगेट सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स, बॉटल्स को भी यूज़ नहीं करेंगे, कौन सा स्टेट बनाए, सिक्किम। तो आप मुझे बताइएगा इसकी कैपिटल क्या है और इम्पॉर्टेंट रिवर यहाँ से कौन सी फ्लो हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र एक पहली स्टेट बन गई है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री बाय, अब कई बार डेट पूछी जाती है कि कब तक वो ख़त्म करेगा, May 1, 2020 तक वहाँ पे कोई भी प्लास्टिक बैग्स नहीं होंगे। इसके अलावा फर्स्ट प्लास्टिक फ्री फिल्म, आपने एक मूवी सुनी होगी कूली नंबर 1, गोविंदा की थी, बहुत जब हम छोटे थे तब आई थी, वो बन गई है पहली प्लास्टिक फ्री फिल्म जिससे हम एनवायरनमेंट की तरफ मूव ऑन करें, जूट बैग यूज़ करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए और क्लॉथ का यूज़ करें, प्लास्टिक को नो कह दें। इसके अलावा प्लास्टिक फ्री जोन बना है हाल ही में जिसका नाम है नागालैंड। अब आप यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है और इसकी कैपिटल क्या है। इसके अलावा 5-star गारबेज फ्री सिटीज़ बनी है, कुछ 6 सिटीज़ डिक्लेयर हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से, तो ये हैं अंबिकापुर, तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो होती है और ये किस स्टेट में फॉल करती है। इसके अलावा हमारे पास है राजकोट, मैसूर और सूरत, देन इंदौर और नवी मुंबई, ये 6 सिटीज़ हैं जो प्लास्टिक फ्री हो चुकी हैं, इन्हें 5-star सिटीज़ बोला गया है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स और तुगलक डायनेस्टी को मैंने कवर किया है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में या फिर कभी भी GS में या करंट में आपको हमेशा हेल्प करेगा, तो प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा